आइए नजर डालते हैं अब तक की 20 बड़ी खबरों पर। विश्व हिंदू परिषद की धर्म सांसद आज 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटने की आशंका, छावनी में तब्दील अयोध्या। आज राम जन्मभूमि जाएंगे उद्धव ठाकरे, पूजा पाठ के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनसभा को करेंगे संबोधित। वाराणसी में आज लगेगी धर्म सांसद, राम मंदिर सहित सनातन धर्म की समस्याओं पर होगी चर्चा, संत शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती करेंगे अगुवाई। अयोध्या में संतों के जमावड़े के बीच योगी सरकार ने जारी की राम मूर्ति की तस्वीर, अयोध्या में बनने वाली है 151 मीटर ऊंची भगवान राम की मूर्ति। विश्व हिंदू परिषद के बाद अब राम मंदिर पर एक्शन में आया आरएसएस, 4 चरणों में आंदोलन का प्लान किया तैयार। अयोध्या में उद्धव ने परिवार संघ की सरयू आरती, कहा श्रेय नहीं, राम मंदिर की तारीख चाहिए, संतों से भी मिले। कांग्रेस का आरोप, चुनाव में ही बीजेपी को याद आती है राम की याद, सुरजेवाला बीजेपी के चलते भी 30 साल में राम का वनवास। ललितपुर में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने दिया बड़ा बयान, कहा अयोध्या को लेकर माहौल खराब करना विरोधियों की साजिश। अयोध्या मुद्दे पर सियासत तेज, अखिलेश ने की सेना बुलाने की मांग, मायावती का बीजेपी पर शिवसेना पर वार। अखिलेश को दिनेश शर्मा का जवाब, कहा सपा राज में होते रहे दंगे, सेना तो बहुत दूर, पीएसी भी नहीं लगी। मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, कहा दंगा कराना चाहते हैं सीएम योगी, अखिलेश के बयान का किया समर्थन। मोहन भागवत और बाबा रामदेव का बड़ा बयान, कहा अयोध्या में जल्द बनेगा राम मंदिर, साधु संतों की भावना का सम्मान करे सरकार। मन की बात की हाफ सेंचुरी पूरी करेंगे पीएम मोदी, कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी ने देशवासियों से मांगे सुझाव। राजस्थान के रण में पीएम मोदी भरेंगे हुंकार, 2 दिवसीय दौरे के दौरान चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। करतारपुर कॉरिडोर के शिलान्यास पर पाकिस्तान नहीं जाएंगे सुषमा स्वराज, चुनावी रैली में वैधता का दिया हवाला। त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मोहर, देहरादून के जौलीगांठ एयरपोर्ट का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी रखने का फैसला। देवभूमि में मौसम बदल रहा करवट, पहाड़ी इलाकों में गिरने लगा पाला, मैदानों में कोहरे ने बढ़ाई परेशानी। कर्नाटक के मांड्या में नहर में गिरी बस, हादसे में 30 लोगों की मौत, सीएम ने दिया 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। मैरी कॉम ने 6वीं बार जीती वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, यूक्रेन की बॉक्सर को हराकर जीता गोल्ड, दिल्ली में था मुकाबला। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टी20 मैच आज, ऑस्ट्रेलिया ने तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को टीम में किया शामिल, सीरीज में 1-0 से आगे है मेजबान टीम।